Hello students, how are you? Are you fine? Okay, very good. I am also fine. Already हमने टू चैप्टर का लेसन कम्प्लीट किए हैं इकोस में. अब थर्ड चैप्टर है टॉकिंग अबाउट एबिलिटी. वेज नंबर 25. ओपन योर इकोस टेक्स्ट बुक. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एंड ओपन योर पेज नंबर 25. आपने खोला स्टूडेंट्स? ओके, लिसन एंड लर्न. लिसन टू द कन्वर्सेशन एंड लर्न हाउ टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटी. एबिलिटी यानी आपकी क्षमताएं, आप कितने तक बोल सकते हो ऐसी क्षमताएं. कैन आई हेल्प यू? हम कभी भी क्वेश्चन करते हैं, कभी कोई फ्रेंड किसी मुसीबत में हो तो हम उसको क्या कहते हैं, कैन आई हेल्प यू. तो यहाँ भी एक ऐसा ही कुछ है. वॉट कैन यू अ सिली माउस डू? I can cut the ropes for you. Then go ahead and do it. Understand students? ये छोटे छोटे sentence आपको क्या करते हैं, आपको English बोलने में help करते हैं. Okay? Can you speak Tamil? क्या आप Tamil बोल सकते हो? I can speak all the four South Indian languages. मैं सब South Indian languages बोल सकता हूँ. यहाँ दो फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है. उसके बाद कैन यू हियर मी? यस आई कैन. कैन यू हियर मी? नो आई कांट हियर यू. दो फ्रेंड होते हैं, वो एक छोटा सा टॉय लिया हुआ और एक दूसरे को, आपने ये शायद खिलौना से खेला होगा, और सामने सामने आवाज़ कर रहे हैं कि क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है. तो सामने वाला फ्रेंड कह रहा है कि हाँ यस मुझे आ रही है, पर वो भी पूछ रहा है कि कैन यू, यस कैन यू हियर मी, तुम मुझे सुन सकते हो. तो वो सामने वाला फ्रेंड्स है, वो क्या बोलता है, नो आई कांट हियर यू, मैं तुझे नहीं सुन सकता. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट प्लेस इज क्लियर. ओके, सेकंड प्लेस. टू फाइंड आउट अबाउट व्हाट सम कैन डू यू मे माय आस्क क्वेश्चन लाइक दिस. कैन यू प्लस वर प्लस अदर डिटेल्स. कोई भी हम कर सकता हूँ, कर सकती है, कर सकता था, कर सकती थी, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैन यू. ओके, उसके बाद उसका कंजक्शन सीधा वर्ब पे आएगा और उसमें अदर डिटेल्स आएंगी. एग्जाम्पल, कैन यू रीड अस बाइसिकल? आप क्या बाइसिकल चला सकते हो? कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड? टू आंसर द क्वेश्चन यू माइट से आई कैन प्लस वर्ब प्लस अदर डिटेल्स. आई कैन रीड अ बाइसिकल और यू माइट जस्ट यस आई कैन. उसका आंसर सिर्फ क्या दे सकते हैं, यस आई कैन. एग्जाम्पल, आई कैन रीड अ बाइसिकल और यू माइट जस्ट आई से कैन. टू से दैट यू आर नॉट अवेलेबल टू समथिंग यू मे सो नॉट आई कांट वर्ब और अदर डिटेल्स. हम पूरा नहीं बोलेंगे कैन नॉट, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कांट बोलेंगे. ओके, उसका नेगेटिव क्या होगा, कांट. नो आई कांट स्टैंड ऑन माय हेड और नो आई कांट. इसी तरह आई कांट यू रीड अ बाइसिकल, मैं बाइसिकल नहीं चला सकता. ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप बोल सकते हो. आई कांट नॉट राइट माय होमवर्क, ऐसे छोटे छोटे आप सेंटेंस बना सकते हो. ओके, लिसन एंड मार्क. व्हाट कैन ईच पर्सन डू? लिसन टू द कन्वर्जेशन एंड टिक द करेक्ट पिक्चर. तो असीम यहाँ फोर्थ पिक्चर दिया गया है. फर्स्ट पिक्चर इज क्या कर रहे हैं, यस साइकिलिंग. सेकेंड पिक्चर इज क्या हो रहा है, काइट फ्लाई. एंड थर्ड पिक्चर इज कराटे. एंड फोर्थ पिक्चर इज बाण. तो हम फर्स्ट पिक्चर में ज़्यादातर बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, राइट. फ्लाई, काइट फ्लाई हम कब करते हैं, जब उसका फेस्टिवल आता है 14 जनवरी. ओके, तो फर्स्ट पिक्चर है साइकिलिंग करना. तो हम कभी भी साइकिलिंग, अगर हमें साइकिल मिलती है तो हम उसको लेके जाते हैं और घुमा आते हैं. ओके, तो फर्स्ट पिक्चर में आएगा राइट क्लिक करके. ओके, मेरे साथ ही करते आना. उसके बाद है प्रिया. तो फर्स्ट में है क्या है, यस तैरना, उसके बाद जंप लगाना, उसके बाद बलून फोलना, और उसके बाद
क्या करना है? यस, कराटे है। तो ज़्यादातर गर्ल्स होती हैं वो जंप लगाना ज़्यादा पसंद करती हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सीढ़ी में भी जंप लगाने पे ट्रिक किया गया है, तो उसमें क्या आएगा, बी। उसके बाद जोहान, यस, क्या कर रहा है, रनिंग यानी दौड़ रहा है। उसके बाद कंप्यूटर वर्क, उसके बाद पेंच साउंडिंग सिखा रही है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वो खेल होता है ना, दो आसपास दो लैंड रखी हुई होती है और उस पर क्या करता है, वो नाच होता है, वो डांस करता है। तो ज़्यादातर हमें क्या पसंद होता है, जो दौड़ना होता है, क्योंकि आपको दौड़ने देते हैं यहाँ क्लास स्कूल में कि आप ग्राउंड में जाओ तो आप क्या करते हो, वहीं से सीधे सीधे जंप लगा के दौड़ते हो, राइट, आई एम राइट ना, यस। तो फर्स्ट में, सेकंड में बी एंड थर्ड में ए, ओके। अब नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। स्पीक राइट, लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देन रिपीट देम। ये सब वर्ड्स हैं वो आपको कैसे बोले जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं पहले से कहती आ रही हूँ, आ रही है ना, यस, आपको मेरे साथ बोलना है, उसके बाद फिर से टू टाइम रीड करना है और टू टाइम क्या करना है, राइट करना यानी लिखना है, ताकि आपका जो वर्ड्स डिक्शनरी है वो एकदम इम्प्रूव हो और अच्छी बढ़ती जाए। आपका जो वर्ड्स डिक्शनरी में जो आपका वर्ड्स हैं वो आप जितने ज़्यादा सीखोगे उतनी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी आप बोल पाओगे, अंडरस्टैंड। तो यहाँ देखो, बॉर्न, कम, यन, जेमा, लर्न, सर्च, ब्रस्ट, अर्थ, फर्स्ट, गर्ल, पर्स, शर्ट, बोर, कॉल, कॉट, फर्ट, जॉ, मोर, बाउट, कॉन, डॉटर, फोटी, लॉर्ड, रोरर। तो यहाँ आपने देखा आर का जो हम साउंड बोलते हैं वो आपका आर का उच्चारण कैसे होता है, बॉन बॉन, अर्थ ऐसे, पर्स, शर्ट, कॉट। तो ये सब आपका जो साउंड इज है वो आप जितने बोलोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश स्पीक अच्छी होगी, और विथ क्या होगा, आपका जो स्पेलिंग एरर है वो भी आपकी तीन से ज़्यादा बातें अच्छी रहेगी। फर्स्ट बात की आपकी डिक्शनरी बढ़ेगी, वर्ड्स की डिक्शनरी बढ़ेगी, उसके बाद आपकी इंग्लिश स्पीक अच्छी होगी, और इसके ये सब दोनों हो जाएंगे तो आप क्या कर पाओगे, इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे। यानी यहाँ कोट है, डॉटर है, बाउट है, रोलर है, फोटी है, उसके बारे सब स्पेलिंग आप जानते हो, डॉटर यानी यस बेटी, उसी तरह कोट यानी हमें पता है, उसी तरह कई सारे, अर्थ यानी पृथ्वी, ये सब गर्ल यानी लड़की। तो ये सब स्पेलिंग आपको भी जानने मिलेंगे विथ उसके स्पेलिंग, और साउंड कहाँ यूज होगे उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट पेज, क्या है नेक्स्ट पेज, यस, बॉय, बॉइल, कॉइन, स्पॉइल, टॉय, कोइल, ऑयल, वॉइस। तो यहाँ स्पेशली क्या है, आई, अंडरस्टैंड, क्या है, आई, बॉय, देखो यहाँ बी ओ वाई बॉय बोलते हैं, बट वहाँ आई साइलेंट है, यहाँ सिर्फ हम क्या बोलते हैं, बॉय। उसके बाद बॉइल, तो यहाँ देखो आई लिखा हुआ है, उसके बाद कॉइन, स्पॉइल, टॉय, टॉय बोला तो आई साइलेंट है, कोइल, ऑयल एंड वॉइस। उसके बाद बॉ, बॉ है तो वी आएगा, बट हम क्या बोलते हैं, यस, क्या लगाते लिखने में, डब्ल्यू बोलते भी है बट लगा लिखने में डब्ल्यू आता है। देखो काउ, क्या आया, डब्ल्यू, यू नहीं आता है, हाउस आया ना, अबाउट, हाउ, नाउ। तो आप पीछे का वर्ड्स देखो, जहाँ हम बोलते एक है बट लिखा जाता डब्ल्यू है, तो उसी तरह आपका क्या होगा, सुनोगे, लिखोगे और बोलने की ट्राई करोगे तो आपको वर्ड्स के बीच कितना डिफरेंट है और वर्ड्स क्या कहना चाहता है उसके बारे में आप जान सकते हो। हाउ, नाउ, माउस, आउल, तो ये सब क्या है, ओएस है। और आपको यहाँ देखा कि हाउ, नाउ, माउस, आउल,
तो कहीं कहीं पे हमें क्या मिलता है, वॉवल्स, हाँ कॉन्सोनेंट्स, ये वर्ड्स भी हमको लेटर्स भी देखने चाहिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, ये सब दो क्वेश्चन कंप्लीट हैं आपके। आप मेरे साथ, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे साथ रीड किया होगा, और भी आप 2 times रीड करोगे एंड आपकी बुक में लिखोगे। ओके, जब भी आपकी एग्जाम होगी तब मैं आपको ये सब बुलवाऊंगी। उसके बाद लिसन एंड टिक द सेंटेंस योर हम, इज ही कमिंग, आपने ये सेंटेंस सुना है स्टूडेंट्स, इज ही कमिंग, यस, तो उसने सामने मैंने क्या किया है, राइट किया है। उसके बाद इजंट ही कमिंग, ज़्यादातर हम ये वर्ड्स कम बोलते हैं क्योंकि isn't हम ऐसे नहीं बोलते, is not he coming ऐसे बोलते हैं, राइट? तो हमने यहाँ नहीं टिक किया। उसके बाद आर यू ओके, यस, ये हम बोलते हैं ना, यस, yes, तो उसके सामने क्या करते किया है मैंने, राइट किया है। इज सी हैप्पी, तो ये भी हम बोलते हैं। उसके बाद isn't सी हैप्पी, तो यस, yes, ये बोलते हैं हम सेंटेंस, कभी आपको सुनने मिला है। डू यू सी मी, ये डिड यू सी मी। उसके बाद डिडंट यू सी मी, कैन यू हर मी, कांट यू हर मी, ओके सॉरी, कैन यू हियर मी, यस, कांट यू हियर मी, तो ये सब वर्ड्स हैं, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करोगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। बाय एंड टेक केयर।